अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्को गेमिंग चैनल पे जो एक हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, उसी सिलसिले में आया ये एक मैच है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स की तादाद जो है वो बढ़ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो लॉबी फुल लगने लग पड़ेगी। इनके जो पिछले हफ्ते मैचेस हुए थे उससे तो काफ़ी बेहतर प्लेयर्स जो है वो आ गए हैं। फिलहाल तक अपन भी स्क्वाड में जो मैचेस हैं वो स्टार्ट नहीं किए हैं, ड्यू में मैचेस जो हैं वही फिलहाल कर रहे हैं। अगर आप में से भी कोई इन मैचेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो देखते हैं जी ज़रा अब क्या सिचुएशन बनती है। मिड स्टैंड में काफी टीम्स जो हैं वो लैंड कर रही हैं। काफी नए दोस्त भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी उतरते ही मेरे ख्याल में शायद ऑफलाइन हो गए हैं या कुछ ऐसा सिस्टम बना है, लेकिन ये जी मिस्टर चार्ली आ गए और इन्होंने एक किल अपने नाम किया। मिस्टर चार्ली ने वेल प्लेड मिस्टर चार्ली। यहाँ पे टीम फाइव मेमन भाई और टीम सिक्स असलाम भाई की टीम है, काफी अच्छा गेम प्ले करती है। इधर ये टीम इलेवन ने किल्स निकाले हैं यहाँ पे। स्टेज पर मेमन भाई बिल्कुल टीपी ले रहे हैं जी। ये जी मेमन भाई सामने आ गए जो नूब ईवल शाने भाई हमारे, देखते हैं जी टीम फाइव और टीम फोर आपस में आमने सामने। टीम फाइव ने टीम फोर को स्पॉट किए हुए, टीम फोर ने अभी तक शायद उन्हें स्पॉट नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा रुके, यहाँ पे कभी लेड कर देते तो शायद टीम फाइव जो है वो किल लेने में कामयाब हो जाती। टीम इलेवन मजीद नॉक जो है वो निकाल रही है और यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है जी, दो किल्स हो गए इनके। टीम 10 एमएस जीता, ये शायद ऑफलाइन है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो वॉइस है वो म्यूट कर दी थी क्योंकि वो ऑल के ऊपर उनके अपने टीममेट जो है वो बात कर रहे थे जी। मेमन ने भी एक किल निकाला है यहाँ पे। तो कोशिश किया करें कि जब आप लोग मैच खेलते हैं तो अपना माइक जो है वो ऑल से जो है वो हटा दिया करें। माइक कोशिश किया करें कि टीम के ऊपर रखा करें ताकि आपके टीममेट्स को आपकी आवाज जाती रहे। गुड स्प्रे, टीम फाइव का अच्छा स्प्रे जी टीम टू मिस्टर चार्ली के ऊपर। देखते हैं जी यहाँ पे अब पोजीशन क्या बनती है। प्लेयर्स अलाइव रह गए हैं जी सिर्फ 14 और टीम्स 11। काफी टीम के सिंगल सिंगल पर्सन रह गए हैं। मैच स्टार्ट हुआ था यहाँ पे मेरा लगा हुआ था, अब तो बहुत कम बंदे रह गए हैं इस जगह पे।
अच्छा नेट, लेकिन शायद लोकेशन का इतना अंदाजा नहीं था। टीम फाइव नीचे वाली बिल्डिंग में थी और गेम टीम टू टीम फाइव पे रश करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। टीम फाइव मुकम्मल अपनी टीटीपी लेते हुए यहाँ पे तैयब भाई ने भी एक कैप्टन उस्मान का नॉक निकाला है, आपने स्क्रीन के ऊपर देखा होगा। तो अभी हम उनकी तरफ भी जाते हैं। ये जी तैयब भाई हैं जी, दोनों टीम्स के एक एक मेंबर जो हैं वो नॉक है जी। टीम सेवन और टीम थ्री के एक एक प्लेयर जो है वो नॉक है। ये तैयब भाई ने नेड किया जी टीम थ्री से और इस नेड से ये बचे। यहाँ पे बैक से भी इनको स्प्रे दे रहे टीम थ्री पे आ रहे हैं और इसी के साथ जी वेल प्लेड कैप्टन यासिर, वेल प्लेड। आई एस आई वारियर अली भाई ने सारा खेल बिगाड़ दिया जी तैयब भाई का। इन्होंने थर्ड पार्टी की और टीम टू और टीम फाइव दोनों बहुत क्लोज एक दूसरे के, देखते हैं इनमें से कौन रहेगा। अच्छा सफर है जी दोनों जाना से एक दूसरे को देने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास जो है वो एक दूसरे को डैमेज ना दे सके। मेमन भाई का बायर जंप और इसी के साथ टीम टू ये फाइट जो है वो विन कर चुकी है। वेल प्लेड मिस्टर चार्ली। तीन स्किल कर चुके हैं जी मिस्टर चार्ली इस टाइम। न्यू विगल टीम फोर सोलो में ये आए हैं जी, काफी रोटेशन देते हुए मिड स्टैंड से आस्ता आस्ता ये बाहर निकल रहे हैं। एमएस वायरस एमएस माफिया आ गए जी टीम नाइन। नासिर भाई इनके मिनट्स में वो तो आई थिंक लॉबी पहुंच चुके हैं। एमएस वायरस की जानिब से टीम 11 के ऊपर रश कर दिया उनको, बंदा स्पॉट नहीं उसका टीम 11। बैड लक, गाड़ी रुकते ही वहां पे ऑलरेडी एक टीम मौजूद थी जिसकी लत में ये आ गए जी। टीम नाइन सर्कल आस्ता आस्ता क्लोज हो रहा है। जो टीम्स मेंबर पीछे मुख्तलिफ टीम्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। ये स्पॉट अच्छा स्प्रे जी टीम नाइन की जाने से टीम 13 के ऊपर, टीम टू के ऊपर स्प्रे दिया जी टीम नाइन ने, लेकिन कोई खास स्किल शिल नहीं निकाल सके। काफ़ी टीम्स अभी सोलो सोलो में हैं, लेकिन कुछ टीम जो हैं वो टीम वन जो है वो भी ब्लू खेल रही है और टीम सेवन भी इस टाइम ब्लू में मौजूद है मुकम्मल। टीम 13 ट्राई कर रही है जी बंदे स्पॉट करने के। टीम 9 हल्की हल्की रोटेशन दे रही है पावर प्लांट वाली साइड से टीम 13 के ऊपर।
अगर आप लोग एक जज कर रहे हो तो टीम टू भी अपने बंदे स्पॉट करने के। भाई मैन जी वेल प्लेड, नोबीवल ने एक किल यहाँ पे अपने नाम कर लिया। टीम फोर टीम टू के बेहद क्लोज, लेकिन यहां से थोड़ा सा टीम फोर जो है वो पीछे हट गई और एक शायद एक लंबा रोटेट दे रहे हैं। टीम नाइन भी अपनी पोजीशन पर पहुंच गई है और इन्होंने टीम थर्टीन को स्पॉट कर लिया है। वेल प्लेड जी, टैप टैप फायर में टीम थर्टीन लॉबी में पहुंचा दी जी टीम नाइन ने। वेल प्लेड नासर भाई। टीम नाइन टीम टू आपस में काफी क्लोज हैं। यहां पे क्लोज ही टीम सेवन भी मौजूद है जी, कैप्टन यासिर और कैप्टन उस्मान के। अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। टीम सेवन टीम नाइन और टीम टू आपस में ऐसा ऐसा काफी क्लोज एक दूसरे के आ रहे हैं। इनके दरमियान जल्दी फाइट हम देखने को कर रहे हैं। टीम नाइन ने टीम सेवन को स्पॉट कर लिया है, लेकिन अभी तक इस तरह को रेंज में इनके नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से ये फायर दे सके टीम वन। जोन से बाहर निकलते हुए और आगे इनके है बिल्कुल टीम सेवन है। काफी मुश्किल में टीम टू आ सकती है। जोन बहुत तेजी से जो है वो हेल्थ यहाँ पे अच्छी जगह जी इन्होंने पोजीशन होल्ड की है। बहुत अच्छा स्प्रे टीम नाइन की जानिब से टीम सेवन को और ये बिल्कुल ओपन में आ गए। इनके दोनों प्लेयर्स बिल्कुल ओपन में आ गए और टीम टू ने टीम सेवन के यासिर अच्छे प्लेयर थे उनको लॉबी में पहुंचा दिया। थोड़ा सा टीम सेवन किसी और साइड पे मसरूफ थी फाइट में, जिस वजह से इनको कुछ इस तरह अंदाजा नहीं हो सका कि टीम टू बिल्कुल इनकी क्लोज पहुंच चुकी है। ये हमारे जो एक न्यू प्लेयर हैं अली भाई के साथ हैं जी उमर भाई, उन्होंने अभी टीम नाइन को फिनिश किया है, ऊपर उनका नाम आया है। आसमान और मिस्टर चार्ली के दरमियान आपस में अच्छी जो है वो फाइट हो रही है। ऐसा ऐसा जो है वो मिस्टर चार्ली क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं टीम सेवन के। चार बंदे इस टाइम अलाइव हैं। टीम वन अली और जो हमें एक न्यू उनके दोस्त भाई हैं उनके उमर भाई, उन्होंने ज्वाइन किया जी वेलकम उमर भाई। तो चलिए देखते हैं जी उनकी गेम भी। अभी वहाँ पे टीम सेवन और टीम टू काफी
टीम सेवन को कुछ अंदाज़ा हुआ है और ये टीम वन, ये जो उमर भाई के साथ की वन वी वन फाइट हुई जिसमें ये टीम सेवन लॉबी में पहुंच गई। अभी वन वर्सेस टू, वन वी टू मैच काफ़ी मुश्किल टीम टू के लिए। दोनों तरफ से स्प्रे अच्छे पड़े, काफी सारे लेट हैं जिस टाइम टीम टू। और इसी के साथ ही वन वी वन मिस्टर चार्ली एंड वन बर्लिन आपस में वन वी वन फाइट। और इसी के साथ ही जी टी वन उमर भाई वेल प्लेड, बहुत अच्छा गेम प्ले किया जी। ये हिल्स आगे सबके, और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।